तो गाइस चलिए दोनों को ही हम चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे आप चैनल पे हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो यहाँ पे ये रहे हमारे बर्ड्स, दोनों ही काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में है। एंड ये भी आपका यूनिक डिज़ाइन में एक स्ट्रिप टाइप की मिलती है इसमें आपको, नीचे की साइड जा रही है और यहाँ पे भी स्ट्रिप मिलती है RGB लाइटनिंग की। तो पूरा प्रॉपर गेमिंग एस्थेटिक फील दिया गया दोनों ही बर्ड्स में, दोनों ही केस में। और अगर हम बात करें यहाँ पे फिट एंड फिनिशिंग, तो मेरे को कहीं ना कहीं नंबर की ज़्यादा बेटर लग रही है, देख सकते हो यहाँ पे। इसका भी अगर आप पोर्ट की बात करें तो ज़्यादा स्नग फिट है। और ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की साइड आपको गैप अगर दिख रहा है तो आप ध्यान से देखो, इसमें देखो इसमें बराबर है, इसमें हल्का सा गैप नीचे को रह गया। तो ये थोड़ा सा फिट एंड फिनिशिंग में नंबर थोड़े से बेटर हैं और बिल्ड क्वालिटी में भी नंबर थोड़े से बेटर आते हैं। हैवी भी हैं इससे खासकर, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और नंबर वाले तो काफ़ी ज़्यादा हैवी लगते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी और हिंज की क्वालिटी भी काफ़ी टॉप नॉच मिलती है। बोल्ट में आपको बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगी, ये तो हो ही नहीं पा रहे सही से। देखो ये थोड़ा सा मेरे को लगा 1300 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में कहीं ना कहीं इनको बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए थी। केस की क्वालिटी मेरे को ठीक लगी थी बट इसकी केस की क्वालिटी टॉप नॉच ही मिलती है इनसे खासकर। देखो यहाँ पे साइड बाय साइड कौन से आपको बेटर लग रहे हैं जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। मेरे को तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल्ट के देखने में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बट बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे नंबर का जवाब नहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मेन जो बर्ड्स हैं वो दिखाता हूँ दोनों के ही, कैसे क्या मिलते हैं आपको। इस तरीके से आपको बर्ड्स मिल जाते हैं बट नंबर की जो क्वालिटी है काफ़ी कमाल की मिलती है, देख सकते हो यहाँ पे। ये मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पे आपका राइट लेफ्ट की ब्रांडिंग है, यहाँ पे RGB जलती है टाइप की और यहाँ पे आपको एक रिंग टाइप की जलती है। तो ये है कहीं ना कहीं, और मेटल का मैश मिल जाता है दोनों में ही, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा फिट एंड फिनिशिंग नंबर की अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू बोल्ट, ये कहीं ना कहीं आपको मानना ही पड़ेगा। अब गाइस ये तो हो गई यहाँ पे लुक्स की बात, लुक्स सब्जेक्टिव हो सकते हैं बट यहाँ पे जो आपकी साउंड क्वालिटी वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती। साउंड क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं एक बार कैसी क्या मिलती है। तो यहाँ पे दोनों की आपको साइड बाय साइड सुनाऊंगा तो आप काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, दोनों में सेम साउंड प्ले करूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि कैसी क्या साउंड क्वालिटी मिलती है आपको, है ना। तो वैसे दोनों में सेम साउंड बज रहा है। यहाँ पे हम बोल्ट को चेक करते हैं, अब नंबर बोल्ट नंबर बोल्ट नंबर बोल्ट। तो गैस मैंने दोनों की साउंड क्वालिटी सुन ली है, आपको यहाँ पे अपना जो व्यू है पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ कैसी क्या मिलती है साउंड क्वालिटी। देखो गैस सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरे को बोल्ट की जो बेस की क्वालिटी है काफ़ी तगड़ी लगी, मतलब बोल्ट की जो बेस की क्वालिटी अच्छी है डेफिनेटली। यहाँ पे सूदिंग लगता है कानों को, ये थोड़ा सा हार्श लग रहे हैं अगर मैं साइड बाय साइड इनसे कंपेयर करता हूँ बट यहाँ पे म्यूजिकल जो नोट्स हैं काफ़ी क्लियर सुनाई देते हैं इसमें, खासकर नंबर वाले में डेफिनेटली वोकल्स क्लियर डेफिनेटली इसमें मिलेंगे। तो गाइस म्यूजिकल नोट्स यहाँ पे बेटर हैं साउंड करते हैं बट वोकल्स इसमें क्लियर मिलती हैं, बेस इसमें तगड़ा मिलता है, बेटर मिलता है, सूदिंग मिलता है कानों के लिए, थोड़ा सा हार्श फील होता है। फुल साउंड में डिस्टॉर्ट नहीं करते, ये भी डिस्टॉर्ट नहीं करते फुल साउंड में, बट एक प्लस पॉइंट इसमें है कि यहाँ पे ANC का सपोर्ट मिल जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज आता है। अब काम करता है कि नहीं करता वो तो बात की बात है बट ANC तो मिल जाता है कम से कम। तो गाइस ये एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है, इसमें भी क्वाड माइक है, इसमें भी क्वाड माइक मिलता है, ANC का सपोर्ट मिल जाता है, दोनों में ड्यूल पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे मैं कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस मैं यहाँ पे टेस्ट करके नहीं दिखा सकता फिलहाल तो, बट मैं आपको ये बता दूं कि कॉल क्वालिटी स्लाइटली बेटर मिलती है नंबर वाले बर्ड्स में, यस। क्योंकि इसमें अगर ANC ऑन कर दोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस तो मिलेगा, जैसे कि रियलमी के बर्ड्स होते हैं, वन प्लस के बर्ड्स होते हैं, उतना ज्यादा आपको ANC का सपोर्ट नहीं मिलेगा अच्छा खासा, बट ये कि यहां पे डिसेंट काम कर जाते हैं नॉइसी एनवायरनमेंट में, ठीक है मैं कह सकता हूं एवरेज है, नॉट द बेस्ट वन नॉट द वर्स्ट वन। और यहाँ पे तो नॉइज़ी एनवायरनमेंट में इसको आप कह सकते हो बिलो एवरेज परफॉर्म करते हैं, और होम एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, होम एनवायरनमेंट में ये भी ठीक काम करते हैं, ये ठीक काम करते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी में देना चाहूँ इनको 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा, इनको साउंड क्वालिटी में 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा। बेस की क्वालिटी में बात करूँ तो यहाँ पे बेस की क्वालिटी मैं इनको 10 में से 8 देना चाहूँगा, इसको 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा। बिल्ड क्वालिटी में अगर हम बात करें तो नंबर के सुपरबर्ड 999 इनको मैं बिल्ड क्वालिटी में 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा, इनको 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा, तो बिल्ड क्वालिटी में थोड़े से पीछे रहते हैं। कॉल क्वालिटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर के सुपर बर्ड्स जीत जाते हैं, इनको मैं 7 नंबर देना चाहूँगा 10 में से, और इनको मैं 6.5 नंबर देना चाहूँगा।
और गेमिंग पे आते हैं गाइस, गेमिंग किस में बेटर है, क्या इसमें बेटर है, इसमें बेटर है, मैंने दोनों का ही वो कर रखा है, रिव्यू कर रखा है, जाके आप चेक कर लो, उसमें गेमिंग मोड मैंने प्रॉपरली बता रखा है। अगर इस वीडियो में गेमिंग मोड में करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि दोनों को ही आपको अलग अलग फोन के साथ पेयर करना पड़ेगा, देन ओनली गेमिंग मोड टेस्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बोल्ट में काफ़ी बेटर गेमिंग मोड अच्छा काम करता है, इसमें जो लो लेटेंसी काफ़ी अच्छा काम करती है, और कहीं ना कहीं ये स्लाइटली थोड़ा सा पीछे रहते हैं, बट दोनों में ही आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिली जाती है, बट मैं कहूँगा यहाँ पे मतलब 50 से कम ही मिलती है, बट मैं कहूँगा यहाँ पे स्लाइटली बेटर परफॉर्म करते हैं बोल्ट वाले डेफिनेटली यहाँ पे, चाहे फुटस्टेप्स की आपको साउंड सुननी हो, चाहे आपको फायर की साउंड सुननी हो, तो ओवरऑल ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं बोल्ट के Z40 गेमिंग, है ना। तो गाइज यहाँ पे विनर कौन से हैं, गाइज विनर एक को दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी नंबर की बेटर मिलती है, और ओवरऑल यहाँ पे जो कह सकते हो वोकल्स स्लाइटली बेटर परफॉर्म करते हैं, बट म्यूजिकल नोट्स इसमें बेटर होते हैं, तो एकदम से विनर घोषित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी और ANC एक्स्ट्रा फीचर की तरफ जाना चाहूंगा, तो नंबर के सुपरबर्ड्स 999 मेरे लिए मेरी चॉइस बन जाती है, और अगर आपके पास नंबर के सुपरबर्ड्स हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि बिल्ड क्वालिटी नंबर की काफ़ी बेटर रहती है। नंबर के सुपरबर्ड्स GT9 की भी अच्छी थी, GT99 की भी अच्छी थी, GT999 की भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो गाइज यहाँ पे विनर हैं सुपरबर्ड्स GT999। तो गाइज अगर आपका क्वेरी इन दोनों बर्ड से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।